इंटरेस्टिंग और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आपको बता दें, आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में 11वीं की छात्रा द्वारा बैग तलाशी के दौरान मोबाइल पकड़े जाने पर विद्यालय में खुदकुशी कर ली गई, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य और एक शिक्षक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया। इसके विरोध में प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों में पठन पाठन बंद कर हाथों में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया गया और अबागढ़ थाना पहुंचकर थाना अध्यक्ष छत्रपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें CPS इंटरनेशनल स्कूल के अध्यापक अध्यापिका राजमाता अनंत कुमारी पब्लिक स्कूल अबागढ़, पब्लिक स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर किला रोड अबागढ़, सेंट पॉल सहित अन्य विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा अबागढ़ थाने पर पहुंचकर हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना अध्यक्ष अबागढ़ छत्रपाल सिंह को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में उचित निर्णय लेने की मांग की गई है। राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट। उसके परिवार के साथ हमारी सांत्वना है और हम चाहते हैं कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, लेकिन साथ ही हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि जो कार्रवाई वहां के प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक के साथ की गई बिना किसी विशेष जांच के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये बड़े ही चिंताजनक विषय है। ये आगे चल करके किसी भी स्कूल में किसी भी अध्यापक या किसी भी स्टाफ या मैनेजमेंट के साथ कोई अभिभावक ऐसी कार्रवाई करवा सकता है, जिससे स्कूल को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और स्कूल परिसर में जो अनुशासन है उसकी कार्यवाही को संचालित करना संभव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चेतना स्वरूप हमने ये निर्णय लिया है कि सभी विद्यालय न केवल अबागढ़ के बल्कि पूरे यूपी के, समस्त यूपी के, वो आज एक सांकेतिक बंद का आह्वान कर रहे हैं ताकि प्रशासन इस बात को समझ सके कि आगे से ऐसा ना हो। अगर कोई कार्रवाई है तो वो पूर्ण जांच के साथ हो। आज विद्यालयों में पठन पाठन भी क्या अवरुद्ध किया गया है? हाँ, आज बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अध्यापन नहीं किया जा रहा है, केवल स्टाफ को बुलाया गया, स्टाफ को सारी घटना के बारे में जानकारी दी गई है और साथ में ये भी सचेत किया गया है कि हम सभी एकजुट हों और ये बताएं कि अन्याय को हम नहीं सहेंगे।